हाय मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू मॉमकॉम इंडिया। डॉक्टर्स कहते हैं कि आपके बेबी को जो भी चीज़ टच करती है, चाहे बाहर से चाहे अंदर, उसका साफ सुथरा होना बहुत ज़रूरी है। उसमें कोई टॉक्सिन्स नहीं होने चाहिए और वो बहुत ही जेंटल होनी चाहिए आपके बेबी की स्किन पे और आपके बेबी के लिए। तो आज के वीडियो में मैं आपसे दो ऐसे प्रोडक्ट्स शेयर करूँगी जो ये हाइजीन या ये सेफ्टी मेंटेन करने में आपकी मदद करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी लवलैब का बेबी डिटर्जेंट। अब ये जो डिटर्जेंट है, ये बच्चे से रिलेटेड जितना भी क्लोदिंग आपके पास है उसके लिए आप यूज कर सकते हैं। बच्चे के कपड़े, लंगोट, चद्दर, स्वाडल, इवन बच्चे के ब्लैंकेट्स, टॉवल्स, जो यूरिनल पैड्स होते हैं, शीट्स होती हैं, कोई भी चीज जिसमें क्लॉथ मटेरियल है वो आप इससे धो सकते हैं। ये स्पेशली बेबीज की सेंसिटिविटी को ध्यान में रख के बनाया गया है। मुझे इसकी कुछ चीजें बहुत ही अच्छी लगी। सबसे पहले तो ये बिल्कुल सेफ है, मतलब ना इसमें कोई टॉक्सिन है, ना इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर्स हैं और ना ही इसमें फॉस्फेट या फ्लोरोसेंस है। दूसरा, ये बहुत ही जेंटल है। जब आप इसमें कपड़े धोते हो और वो कपड़े बेबी को पहनाते हो तो बेबी की स्किन पे रैशेज आने के चांसेस नहीं होते। ये बच्चों की स्किन के हिसाब से कपड़ों को बहुत ही जेंटल रखता है। इसमें एक एडवांस कैटियोनिक सॉफ्टनिंग फैक्टर भी है जो कपड़ों को काफी सॉफ्ट रखता है, जैसा कि हमें अपने बेबीज के लिए चाहिए। अब बेबी डिटर्जेंट यूज कर रहे हैं तो एक चीज हमें और चाहिए होती है कि क्या ये स्टेन्स निकालता है, स्पेशली दूध के स्टेन या जब बच्चे खाना शुरू कर देते हैं तो खाने के स्टेन्स। तो यस, ये डर्ट, स्टेन्स, सब चीजें निकालता है, पर सिर्फ धोते हुए आपको सेग्रीगेशन प्रॉपरली करना है, राइट मोड यूज करना है अगर आप मशीन में यूज कर रहे हैं, और स्टेन्स को बहुत देर रहने नहीं देना है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर किसी कपड़े पे स्टेन है तो इमिजिएटली उसका टेक केयर जरूर कीजिए। इसको यूज कैसे करना है उसके सारे इंस्ट्रक्शंस इसी पे दिए गए हैं। मैं जनरली नूर के मैक्सिमम कपड़े मशीन वॉश करती हूँ, सिर्फ उसकी लंगोट्स या अंडरवेयर जिसमें वो कभी यूरिन पास कर देती है उसको मैं पहले हाथ से धो लेती हूँ और उसके बाद मशीन वॉश करती हूँ। तो दोनों ही चीजों के लिए मैंने इसको यूज किया है और मुझे इसके रिजल्ट्स काफी अच्छे लगे। अब आई एम श्योर आप ये सोच रहे होंगे कि मुझे अब एक एक्स्ट्रा बेबी डिटर्जेंट लेने की क्या जरूरत है, मैं अपना घर का डिटर्जेंट क्यों नहीं यूज कर सकती। तो एटलीस्ट आपके बच्चे जब तक 5 साल के नहीं हो जाए, मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप बेबी डिटर्जेंट ही यूज कीजिए, बिकॉज इसे स्पेशली बच्चों को ध्यान में रख के डिजाइन किया गया है, उनकी स्किन को ध्यान में रख के बनाया गया है और बच्चों के कपड़े से सारे जर्म्स निकल जाएं जिससे उनको कोई इन्फेक्शन होने के चांसेस ना हो, उसको ध्यान में रख के बनाया गया है। 5 साल के बाद बच्चों की जो स्किन होती है वो काफी रफ एंड टफ हो जाती है, तो उसके बाद आप नॉर्मल डिटर्जेंट पे आ सकते हैं। बट पर्सनली मैंने अपने बेटे के साथ भी एक्सपीरियंस किया कि 5 साल तक हमने एक बेबी डिटर्जेंट ही उसके लिए यूज किया एंड एवरीथिंग वर्कड आउट टू बी परफेक्ट। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां इसे जरूर चेक कर लीजिएगा। बहुत थोड़ी क्वांटिटी यूज होती है और अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। अब बात करते हैं मेरे लिए तो बहुत ही जरूरी प्रोडक्ट की, जो की है एक बेबी क्लेंजर। तो ये लवलैब का बेबी क्लेंजर है। अब क्लेंजर आपको चाहिए बच्चों के कपड़ों को छोड़ के जो बाकी सामान होता है उस सब सामान के लिए। अब जैसे मैं नूर के साथ बॉटल्स काफ़ी यूज़ करती हूँ, पैसिफायर यूज़ करती हूँ, नूर के काफ़ी सारे टॉयज़ मैंने लेके रखे हैं, उसका टीदिंग चल रहा है तो मेरे को काफ़ी टीदिंग इक्विपमेंट चाहिए होता है जिसको मेरे को प्रॉपरली मेंटेन करना होता है। अब सॉलिड्स भी शुरू हो रहा है तो फीडिंग इक्विपमेंट को आपको प्रॉपरली मेंटेन करना होता है। एंड नॉट ओनली बच्चों की ये सारी एक्सेसरीज, आप इसको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को वॉश करने के लिए भी यूज कर सकते हो। तो एक तरह से मल्टीपर्पज क्लेंजर का काम करता है। बेबी के लिए तो यूज होता है पर घर में भी यूज हो जाता है। मेरा तो पर्सनली ये मानना है कि हम जहाँ रहते हैं यहाँ पे कोई भी चीज ऑर्गेनिक नहीं है, काफी चीजों में केमिकल्स होते हैं, तो बच्चों को कुछ भी देने से पहले उनको प्रॉपरली एक सेफ इफेक्टिव क्लेंजर से वॉश कर लेना एक पेरेंट की वरी को ले लेता है। इसे 100% फूड ग्रेड इंग्रेडिएंट्स से बनाया गया है। बहुत ही जेंटल है ये बेबी की स्किन के लिए, क्योंकि मैं इतना ज्यादा बॉटल्स इसमें वॉश करती हूं तो मैं देखती हूं कि मिल्क के स्टेन्स प्रॉपरली निकल जाते हैं। नहीं तो आप कुछ टाइम बाद देखोगे कि बॉटल्स पे एक स्टेन की लेयर रह जाती है जिसको ठीक से ना निकाला जाए तो बच्चे को इन्फेक्शन होने का चांस हो सकता है, बिकॉज बच्चा इतना ज्यादा बॉटल यूज कर रहा है। सेम गोज विद टॉयज ऑल्सो एंड खाना ऑल्सो। तो जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं उस पे जो पेस्टिसाइड्स होते हैं उसको ये किल करता है, हार्मफुल बैक्टीरिया को ये खत्म करता है। तो आपको पता है कि इसमें अगर एक बार चीज धुल गई तो वो 100%
सेफ हो गई, वो जर्म फ्री बैक्टीरिया फ्री हो गई। इसीलिए ये क्लेंजर भी यूज करना बहुत जरूरी है। अब अगर आपको वीडियोस देखने हैं कि बॉटल्स को कैसे क्लीन करते हैं, टॉयज को कैसे क्लीन करते हैं, तो काफी वीडियोस हमारे चैनल पे हैं। बट अगर आप चाहेंगे तो मैं नए वीडियोस भी कर दूंगी जो मैं नूर के साथ एक्सपीरियंस कर रही हूं, तो वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। तो इस बेबी क्लेंजर का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां जाके ये जरूर ले लीजिएगा। मैं जब ट्रैवल भी करती हूं तो मैं क्लेंजर और डिटर्जेंट अपने साथ जरूर लेके जाती हूं, ये मेरे ट्रैवल बैग का पार्ट होता है। बिकॉज आपको पता होता है कि इन चीजों पर आप ट्रस्ट कर सकते हो, एटलीस्ट इन चीजों की वजह से बेबी को इन्फेक्शन नहीं होगा, विच इज समथिंग दैट एवरी पेरेंट वॉन्ट्स। काफी बच्चों को जब टीदिंग शुरू होती है तो पेरेंट्स बोलते हैं कि मेरे बच्चे को लूज मोशंस लग गए। वो जो लूज मोशंस होते हैं वो टीदिंग की वजह से नहीं होते हैं। बच्चे अपने हाथ जो हैं वो हर जगह लगाते हैं, बेडिंग पे लगाते हैं, टॉयज को मुंह में डालते हैं, हर चीज को मुंह में डालते हैं, और अगर उन चीज़ों को प्रॉपरली क्लीन नहीं किया जाए, चाहे वो आपकी बेडिंग ही क्यों ना हो, तो उससे बच्चे की बॉडी के अंदर जर्म्स जाते हैं और थोड़ी सी क्वांटिटी ऑफ जर्म्स भी उनके जो गट है उसको खराब कर देता है, पेट खराब होता है, तो वहीं से लूज मोशंस आते हैं। ये लॉजिक मेरी डॉक्टर ने मुझे क्लियर किया था कि टीदिंग का लूज मोशन से डायरेक्ट लेना देना नहीं है, जो चीजें बच्चा मुंह में डाल रहा है उनका क्लीन ना होना उसका डायरेक्टली लेना देना बच्चे की लूज मोशंस या बच्चे की हेल्थ से है। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। नए पेरेंट्स के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो बच्चों को ध्यान में रख के बनाए गए हैं। सो दिस इज फॉर यू, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मॉमकॉम इंडिया। बाय।